हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने विद्युत बल के बारे में पढ़ा कि जो भी आवेश हैं एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यानी जो आवेश है वो अपने चारों ओर कुछ सीमा तक बल लगाता है। जहाँ तक वो बल लगाता है उसे हम विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है क्यू और ये अपने चारों तरफ या अपने चारों ओर यहाँ तक बल लगाता है। अगर ये यहाँ तक बल लगाता है इसका मतलब ये इसका बल क्षेत्र है। इसके आगे ये इसका बल जीरो है, यहाँ पर कोई भी आवेश रखेंगे तो यहाँ इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात विद्युत बल क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ किसी भी आवेश का बल का अनुभव किया जा सकता है। इस बल के द्वारा लगने वाला विद्युतीय बल का अनुभव जहाँ तक हम करते हैं उसे हम विद्युतीय बल क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय बल क्षेत्र को नापने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हम तीन प्रकार की राशियों का प्रयोग करते हैं। एक क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय बल रेखाएं और विद्युत विभव। यहाँ पर हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं। एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को, अब एकांक धन आवेश यहाँ रखना कठिन है। हम यहाँ कोई भी आवेश रख दें और उस पर बल निकाल लें, उस आवेश से भाग दें तो भी यहाँ पर तीव्रता ज्ञात हो सकती है। लेकिन कोई भी अगर आवेश हम रखेंगे, बड़ा आवेश, तो भी अपना विद्युतीय क्षेत्र पैदा करेगा, तो वास्तविक विद्युतीय क्षेत्र प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर हम जो आवेश रखते हैं एक काल्पनिक आवेश, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब कि इतना छोटा आवेश है कि वो अपना कोई भी विद्युतीय क्षेत्र पैदा नहीं करता। हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा क्यू नाट। इस परीक्षण आवेश पर इसके कारण लगने वाला जो बल है वो एफ है, और इसीलिए एक कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, तो क्यू नाट आवेश पर यह बल लगता है। इसलिए पी बिंदु पर तीव्रता ई, ये बराबर हो गया बल एफ अपान क्यू नाट न्यूटन प्रति कूलम। यानी क्यू नाट पर लगने वाला बल एफ, इसलिए एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल एफ अपान क्यू नाट, इसी को हम तीव्रता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर, ध्यान रखेंगे एकांक धन आवेश पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को या कार्य करने वाले विद्युतीय बल को उस बिंदु की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु की तीव्रता कहते हैं। यहां पर हमने देखा कि जो तीव्रता होती है वो बराबर होती है एफ अपान क्यू नाट, यानी एक कूलम्ब आवेश पर कार्य करने वाला बल है ये। जब एक कूलम्ब आवेश पर कार्य करने वाला बल है तो हम किसी भी आवेश पर कार्य करने वाले बल को निकाल सकते हैं इसी समीकरण से। क्यू आवेश पर बल, क्यू आवेश पर अगर हमको बल निकालना हो तो एक कूलम्ब आवेश पर कार्य करने वाले बल का पता हमें है ई, यानी ये है एक कूलम्ब आवेश पर कार्य करने वाला बल।
इसलिए क्यू कूलम्ब आवेश पर कार्य करने वाला बल होगा ई क्यू। यह है क्यू कूलम्ब आवेश पर कार्य करने वाला बल। ध्यान रखेंगे तीव्रता एक सदिश राशि है और इसीलिए इसकी एक दिशा है। हमने यहाँ पे मान लिया है कि परीक्षण आवेश को हमने धन आवेश रखा है, इसको अपने धन आवेश माना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धन आवेश की तीव्रता, धन आवेश की तीव्रता हमेशा उससे बाहर की ओर होगी, यानी इसके द्वारा जो तीव्रता पैदा होगी उसकी दिशा इससे हमेशा दूर की ओर होगी, यानी ये इसकी दिशा है। यदि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होगा तो इसकी दिशा हमेशा इसकी ओर होगी। इस प्रकार से तीव्रता की दिशा का हमें पता चलता है। कहीं भी धन आवेश के कारण कोई बल क्षेत्र पैदा होगा तो उसकी दिशा हमेशा उस आवेश की ओर होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। अगर धन आवेश के कारण पैदा होगा तो धन आवेश से दूर की ओर होगी। यहाँ पर अगर यह धन आवेश है तो इसकी दिशा ये बाहर की ओर है, अगर यही ऋण आवेश होता तो ये इसकी ओर होती। यहाँ पर इस आवेश, यहाँ पर हमने जो निकाला है तीव्रता, वो इस आवेश पर कार्य करने वाले बल के ज्ञात होने पर निकाला है। मान लीजिए हमको ये ज्ञात ना हो, ये बल ज्ञात नहीं है, यहाँ पर रखे गए आवेश का पता ना हो, हमको इस आवेश का पता है जो ये तीव्रता पैदा करता है। तीव्रता पैदा करने वाले बिंदु आवेश का अगर पता हो तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी। हमने मान लिया कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो इसके कारण यहाँ पर हम बल निकाल सकते हैं। क्यू के कारण क्यू नॉट पर बल F बराबर 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, दोनों आवेश हैं q1 q2, दोनों का गुणनफल उनके बीच की दूरी का वर्ग। और इसलिए तीव्रता आएगी, ये बराबर हो जाएगा बल, इस बल का मान हम निकाल चुके, बल बटा वह आवेश जिसके ऊपर लग रहा है बल, यानी क्यू नॉट। ये बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट से इसको भाग दे देंगे तो बचेगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तीव्रता है किसी भी आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर तीव्रता। ये तो हो गया हमारा तीव्रता का वो सूत्र। जब हमको वो आवेश का पता हो, दूरी का पता हो जो तीव्रता को पैदा कर रहा है और जहाँ पर हमको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि इस तरह मान लीजिए हमको 10 माइक्रो कूलम्ब आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर तीव्रता निकालनी है। दस माइक्रो कूलम्ब आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसी सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। हमको वो आवेश का पता है जो तीव्रता पैदा कर रहा है और वो दूरी भी पता है, तो इसलिए तीव्रता ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। इसमें मान रखते हैं 9×10⁻⁹ ने हम लोगों ने पढ़ा है, क्यू का मान दिया है 10 माइक्रो कूलम्ब। ध्यान रखें माइक्रो कूलम्ब बराबर 10⁻⁶ कूलम्ब, 10×10⁻⁶ कूलम्ब अपान आर स्क्वायर। आर का मान है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.10 मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर बनाया तो 10, स्क्वायर है दो बार है तो इसको दो बार लिखेंगे।
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये 9 तो केवल गिनती का 9 बचता है, बाकी सभी 10 की घाते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ देखें ये दशमलव हटाएंगे तो 10 की 2 घात ऊपर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 9, 1 10, 1 11, 1 12, 10 की घात 12 और 10 की घात माइनस 6, तो ये आ गया आपका 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये तीव्रता का मान है 10 माइक्रो कूलम आवेश की द्वारा 10 सेंटीमीटर दूर पर तीव्रता। इस तरह से हम तीव्रता का मान किसी भी तरह ज्ञात, इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे फिर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत सारे हम इस तरह के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। इसे आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।